क्या आपके पास भी ऐसे कॉल्स आए हैं, कॉल्स या टेक्स्ट, जहां पे आपको ये बोला जाता है कि अगर आप ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हो, आप हमारे साथ काम करो, हम आपको 2 गुना 3 गुना या 4 गुना प्रॉफिट्स बना के देंगे और इसके चार्जेस भी हम नहीं लेंगे, आप जब भी प्रॉफिट करोगे तभी हम आपके आपसे उसमें से कुछ परसेंटेज अमाउंट ऑफ हम आपके आपसे लेंगे। आपको सुन के काफी अच्छा लगता होगा कि यार ये तो बहुत ही अच्छा चीज है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मुझे पहले पेमेंट नहीं करना है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टफुल लगता होगा कि यार पहले तो सर्विसेज बेचते थे, पहले ही पैसे ले लेते थे, अभी ये प्रॉफिट्स में से पैसे लेंगे, तो मे बी ये जेन्युइन हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि कैसे वो लोग आपसे स्कैम करके आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके अकाउंट से, आपके ट्रेडिंग अकाउंट से आपके पैसे उनके अकाउंट में कैसे चले गए और आपको लगेगा कि ये सिंपल सा लॉस है। तो इसी बारे में आज मैं बात करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। एंड रिसेंटली नितिन कामत जो ज़रोदा के फाउंडर एंड सीईओ हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि स्पेशली फॉर द ट्रेडर्स, जो नए नए आप ट्रेड कर रहे हो उनके लिए, कि आप अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स किसी भी ब्रोकर का आप अपने किसी के साथ भी शेयर ना करें। अगर कोई आपको बोलता है कि मैं आपके बिहाफ पे ट्रेड करूंगा, बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो आपको प्रोवाइड करती है ये सर्विसेज, जैसे कोटक बैंक हो गए, जो सेबी रजिस्टर्ड है उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, बट वहां पे भी जाने से पहले ये वीडियो पूरा देख लेना। तो ट्वीट में आपको यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। सो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, आपसे आपका लॉग इन क्रेडेंशियल्स ले लेंगे, ठीक है, आप पहले ही से लॉस कर रहे हो मार्केट में, तो आपको लगेगा कि एक रे ऑफ होप है कि ये मेरे मुझसे प्रॉफिट बना के दे सकते हैं, क्योंकि इनका भी इनकम इन्हीं से आएगा, तो जब तक ये प्रॉफिट नहीं बनाएंगे तब तक मेरे अकाउंट में, जब तक ये प्रॉफिट नहीं बना के देंगे तब तक इनकी भी कमाई नहीं होगी, तो आपको ये काफ़ी ट्रस्टवर्दी लगता होगा। बट ऐसा नहीं होता है, स्टॉक मार्केट में करीबन से करीबन आपको 30,000 से आसपास आपके पास ऑप्शंस की कॉन्ट्रैक्ट होती है, जो ट्रेड होती है, एंड इसमें से बहुत कम ही हैं जो आपको लिक्विड मिलेंगे, जिसमें आप बाय सेल किसी भी टाइम पे कर सकते हो, और मैक्सिमम ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें आपको कोई लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। आप अगर ग्राफ भी खोल के देखोगे तो आपको लिक्विडिटी चार्ट भी नहीं दिखेगा। तो वो क्या करेंगे, वो आपसे लॉग इन क्रेडेंशियल्स आपसे ले लेंगे, आपके अकाउंट में जो भी पैसे हैं, वो क्या करते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे मान लो उन्होंने बोला कि मैं आपको 2 गुना प्रॉफिट बना के दूंगा, ये ऑप्शंस ट्रेड करूंगा, वो ऑप्शंस ट्रेड करूंगा, तो वो क्या करते हैं, इन लिक्विड्स ऑप्शंस को चूज करते हैं और ये आपके अकाउंट से वो कहीं पे बाई करेंगे या सेल करेंगे, और वो दूसरे अकाउंट में जो उनका पहले एक और अकाउंट होता है वहां पे सेम प्राइस पे आपके अपोजिट ऑर्डर लगाएंगे। अगर यहां बाई कर रहे हैं तो वहां सेल करेंगे, यहां सेल कर रहे हैं तो वहां बाई करेंगे। तो जैसे कि मान लो उन्होंने कोई स्टॉक ले लिया, जैसे लेट्स एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस, 2000 पे उन्होंने कोई इलिक्विड है 2000 या 3000 के एक ऑप्शंस को बाई किया, एंड उसकी प्रीमियम चल रही थी 17 रुपए, उन्होंने आपके अकाउंट से आप पे लिमिट प्राइस पे बाइंग डाल दिया 17 रुपए, और वहीं दूसरे अकाउंट पे वो लिमिट प्राइस पे 17 रुपए पे सेल कर देगा। तो यहां पे वो क्या करेंगे, ऑलरेडी वो हाई पे बाई करते हैं ऑलमोस्ट, जहां पे मोमेंटम, जैसे मान लो रिलायंस ने 3% का गैप, मतलब 3% का मूवमेंट दे दिया, वहां से वो चांसेस है कि, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां से वो रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि वहां ऑलमोस्ट हाई पे आपको बाई करवाएंगे ताकि आपके लॉस के चांसेस ज्यादा हो और उसी के दूसरे अकाउंट में उसके प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हो। तो यहां पे आपको क्या होगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्या पता चलेगा कि आपने जेन्युइन लॉस किया है, उन्होंने कहीं हाई पे बाई किया था और आपको कोई स्टॉप लॉस हिट हो गया, या एक डायरेक्शनल मूव में आपके अपोजिट डायरेक्शन में उसके ट्रेड के अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो आपको लगेगा जब आप लेजर देखोगे, जब अपना अकाउंट देखोगे, तो आपको लगेगा ये एक जेन्युइन लॉस है। बट ये जेन्युइन लॉस नहीं होता है, आपके अकाउंट से ट्रेड किया हुआ वो अपने अकाउंट में फुलफिल करता है। तो ये होता है इलिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करके आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, आपसे पैसे स्कैम कर गए, कर दिया गया है। तो ये काफ़ी स्मार्ट टेक्निक है, और इसके लिए रेगुलेटर्स ने भी बहुत सारी कोशिशें की हैं, और आपके जो ब्रोकर हैं वो भी आपको एक नोटिफिकेशन दे देते हैं कि जब भी इलिक्विड स्टॉक में आप बाई करना चाहते हो तो आपके ऊपर ही एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, ये काफ़ी इलिक्विड है, आपकी प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो ऐसे में आप वो चीज़ ध्यान रखो कि आप किसी के साथ लॉग इन क्रेडेंशियल्स ना शेयर करो, क्योंकि वो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपके पैसे कैसे चले गए।
एंड दूसरी चीज है, दूसरी जो स्कैम होती है वो होती है पंप एंड डंप। पंप एंड डंप आपको बहुत लगता होगा कि यार इसमें तो मैं भी पैसे कमा लूंगा, बट ऐसा नहीं होता है। इसकी रियलिटी मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी आप मूवीज जो स्कैम 1992 हर्षद मेहता का स्कैम था, बहुत सारी मूवीज है जिसमें आपको दिखता होगा कि इन्होंने चंक्स ऑफ मनी डाला और यहाँ से बूम कर गया, कितने लोगों ने उसमें पैसे बनाए, मतलब जो जिनको पता चल गया, इनसाइडर न्यूज पता चल गया तो वो पैसे बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा करने के लिए सेबी ने रोक लगाया था, ठीक है। ये एक इलीगल है। आपको क्या करते हैं वो लोग, पैसा डालते हैं, डालते डालते थोड़ा थोड़ा स्टॉक की प्राइस को बढ़ाते हैं, और जैसे ही वो प्राइस बढ़ जाती है तो वो आपके SMS के थ्रू, आपके सोशल मीडिया के थ्रू, आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू, इसके थ्रू आप जितने भी सोशली वो पहुंच सकते हैं, आपके कॉल्स के थ्रू आपको बताते हैं कि ये स्टॉक्स बढ़ रहा है, ये स्टॉक्स बढ़ रहा है, ये स्टॉक्स बढ़ रहा है, यहाँ 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 जा रहा है। तो आपको वो चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है कि यार ये 2% बढ़ गया आज, कल को 5% बढ़ गया, फिर 10% बढ़ गया, तो आप उसमें बाई करते हो, ठीक है। और वो उसी को पंप कर करके एक एक लिमिट पे वो जाके सेल ऑफ कर देते हैं, जहाँ पे आपको चांसेस भी नहीं मिलता है कि आप उसको निकाल लो। और इन केस आपने कुछ प्रॉफिट्स उस पर बहुत अच्छे खासे, आपको बहुत पहले पता चल गया और उसमें आप बहुत पहले निकल गए डंप होने से पहले, तो आपको लगता है कि आप प्रॉफिट्स बना लो, तो इसके पीछे भी, इसको रोकने के लिए सेबी ने एक चीज़ किया था जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अर्लियर 0% टैक्स था, बट उसके बाद क्या हुआ, 0% टैक्स होने की वजह से ये लोग क्या करते थे कि 0% टैक्स है और तुरंत में आप अप कर दिए और तुरंत में डंप कर दिए, तो वो बहुत फ्रीक्वेंटली आपको पंप एंड डंप दिखता था। बट जब से टैक्स आया है तब से ये लोग भी ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, वही पैसे को, वही स्टॉक को 1 साल से ऊपर तक होल्ड कर लेते हैं। तो आपको लगता है कि ये कंपनी फंडामेंटल्स के ऊपर ग्रो कर रही है, बट ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं, 1 साल के ऊपर, 1 साल के बाद अगर वो उस चीज़ को सेल करते हैं तो उसको 10% का कैपिटल गेन टैक्स तो लग जाएगा, ठीक है, बट ये टैक्स वो गवर्नमेंट को एज इन टैक्स में पे कर चुके हैं। तो उनका क्या मोटो रहता है, जो भी उनका ब्लैक मनी है वो अब व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने 10% तो टैक्स दे दिया है, ठीक है। तो ये काफी स्मार्ट प्ले होता है। तो आपको अगर लगेगा कि ये 1 साल से ऊपर, 1 साल से, इतने साल से वो बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छी है, ये स्कैम भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अच्छे से वो चीज़ें देखो कि बिना इतनी ज़्यादा ग्रोथ, 1 साल के अंदर इतना ज़्यादा ग्रोथ कोई भी फंडामेंटल्स लाके नहीं देती है। और अगर मान लो मैंने जो बोला था कि अगर आप इसमें पैसे बना लेते हो तो आपको कैसे इस पे इफेक्ट करेगा, आप पैसे बनाने के बाद भी आप इसमें कैसे फंस सकते हो, तो गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स है, ये सारी चीज़ें ये इस ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर करती है। जैसे कि मान लो कोई भी कंपनी बहुत जल्दी अगर ग्रो कर रही है, बहुत जल्दी उनका स्टॉक प्राइस ऊपर हो रहा है विदाउट एनी फंडामेंटल्स, विदाउट एनी रीज़न, अगर उनको पता चलता है तो वो सारे ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करती है, और उस ट्रांजेक्शन पे अगर उनको कुछ सस्पिशियस अकाउंट दिखता है तो वो उनको नोटिस भेजती है, जो कि उसकी पेनल्टी चार्ज हो सकती है। तो वो नोटिस आपके पास भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नोटिस सिर्फ ऑपरेटर के पास आएगा जिसने स्टॉक को मूव करने की कोशिश की है। वो नोटिस आपने अगर बुक किया है प्रॉफिट्स, तो आपके पे भी आ सकता है और वो पेनल्टी आपके ऊपर भी लग सकती है, तो उस बात का ध्यान रखना। तो इस तरीके से अभी जो स्कैम्स हो रहे हैं वो, उससे आप बचो। तो बेसिकली इस वीडियो का मोटो यही था कि आपको ये बताऊं कि अगर आपको कोई कॉल भी आता है कि आप हमारे साथ ट्रेड करो, आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और आपके प्रॉफिट्स में से मैं अपना इनकम लूंगा और अपना कमीशन लूंगा, तो वो बिल्कुल मत करना। अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स किसी के साथ शेयर मत करो अनलेस अंटिल वो सेबी रजिस्टर्ड ना हो। अगर आप वो भी कर, तो वो भी चांसेस हैं आपके स्कैमस्टर या फ्रॉस्टर के पास आपकी जो क्रेडेंशियल्स है वो ओपन अप हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, आप कोशिश करो कि चीज़ें सीखो, या ट्रेड करना आपको PMS देना है या किसी को अपना पोर्टफोलियो देना चाहते हो कि वो हैंडल करे, तो ट्रस्टेड आदमी पे करो जिसको आप पर्सनली जानते हो या उसकी पर्सनली ऑफिस है, जैसे कि कोटक बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गई, कोई भी जो करती है। मैंने एक एग्जांपल लिया, आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसी के पास जाओ, कोई भी जो सीबी रजिस्टर्ड और जिसके पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है, उस पे आप जाओ, उसके लिए आप कर सकते हो। बट ऐसे रैंडमली आप किसी को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स ना दो तो ज़्यादा बेहतर है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और तो आप लोगों को मैं इसीलिए बता रहा हूँ, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं मैक्सिमम 25-35 के एज के ग्रुप के हैं, ठीक है, तो उनके पास एक तो कैपिटल होता है एंड दे आर मोर इन टू द इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स,
तो उनके पास ज़्यादा चांसेस हैं ये चीज़ें, ये स्कैम्स पहुंचने की। तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं आप लोगों तक ये चीज़ें आप लोगों तक बताऊं, आप लोगों तक समझाऊं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन तक मैं बताऊं कि आप लोग इन सब चीज़ों में ना फंसो। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और किसी तक पहुँचाना चाहिए, आपके दोस्त, आपके जो भी इस इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट में नए नए आ रहे हैं, उन तक जरूर ये वीडियो पहुंचाओ, क्योंकि कैसे स्कैम होता है उन तक ये पहुंचना बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और अगर ये वीडियो अच्छा जाता तो मैं एक और स्कैम पे वीडियो निकालूंगा, जिसमें आपको कॉल्स पे आते हैं, जो आप मेरे साथ ये मेरे प्रीमियम्स ले लो, आपको मैं डेली के कॉल्स दूंगा, उस टाइप के वीडियोस की उसकी भी सच्चाई मैं निकालूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।